तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं फंक्शंस के बारे में। हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। हमने इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताया था कि किस तरीके से हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट एंड पावर का इस्तेमाल करते हैं। आज हम बात करेंगे आपके साथ की इक्वल ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू का कैसे यूज होता है और इफ के साथ इसको कैसे हम कंसीडर करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ छोटा सा डेटा लेते हैं, मुझे चेक करना है कि ये डेटा जो मैं भी टाइप कर रहा हूँ कर लिया हूँ, ये डेटा जो है क्या ये मोर देन 50 है, जस्ट चेक आउट मोर देन 50 है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए सिंपल क्या करना है, हमें यहां पे इसको सिलेक्ट करके ग्रेटर देन 50 लिख देना है, रिजल्ट आपका ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। ठीक है, रिजल्ट आपका ट्रू है और फॉल्स में आएगा। लेकिन जनरली लोग इसके लिए इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। इफ का फॉर्मूला इसके लिए नहीं है कि एक ग्रेटर देन 50 है नहीं, इसकी जो रिजल्ट आया है ट्रू एंड फॉल्स इसको आपके खुद के रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। इफ लॉजिकल टेस्ट में ट्रू एंड फॉल्स, अगर B1 ट्रू हुआ तो ए पार्ट शो करेगा, जैसे कि हमने ओके लिख दिया, ओके वाला पार्ट शो करेगा। अगर फॉल्स हुआ तो ट्रेलिंग वाला पार्ट शो करेगा। हेलो, अच्छा तो ये चीजें हम यहां पे करते हैं। तो लॉजिकल टेस्ट जो है आप यहां पे लगा सकते हैं। तो इफ जो है ए, मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो लॉजिकल ऑपरेटर है दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इफ, ये इंडिविजुअल है, हम इफ में कंबाइन करते हैं ताकि हम एक कॉलम में ना करना पड़े, दो जगह पे कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसलिए हम यहीं पे ग्रेटर देन 50 लिख दिया और यहीं पे ओके और यहीं पे पेंडिंग कर दिया। इस तरह से लिख दिया। हम जल्दी जल्दी बताता हूं आपको कि इफ फॉर्मूला क्या है या कोई भी फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। किसी भी फॉर्मूला को लगाने के लिए आपको इक्वल या आप प्लस का साइन लगा सकते हैं, दोनों से आप लगा सकते हैं। हालांकि हम माइनस से भी लगा सकते हैं, बट माइनस से रिजल्ट माइनस में चला जाएगा, इसलिए माइनस हम रिकमेंड नहीं करते हैं। तो जनरली हम इक्वल से ही करते हैं कि इफ अब कोई भी फॉर्मूला आप लिखते हैं उसका इनिशियल IF लिखा तो लिस्ट आ जाता है, आप अपने एरो की से फॉर्मूले को ऊपर नीचे करके सिलेक्ट कर सकते हैं। और जिस फॉर्मूले पे आपका सिलेक्शन होगा उसका जो डेफिनेशन है या शॉर्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जिस फॉर्मूले को अप्लाई करना है जस्ट आप टैब को प्रेस कीजिए और अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप पूरा का पूरा इफ और ब्रैकेट ओपन मैनुअली लिख दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके बाद इफ के अंदर जो नीचे आता है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे इनपुट्स, कि इस इफ में कितने तरह के इनपुट्स हैं। तो तीन तरह के इनपुट्स हैं, इसको सिंटैक्स कहा जाता है। एक इनपुट जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल है, बाकी दो स्क्वायर ब्रैकेट में। जो इनपुट एक स्क्वायर ब्रैकेट में होता है वो ऑप्शनल होता है, जो जो स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं होता है वो रिक्वायर्ड होता है। तो मतलब कि मैं लॉजिकल टेस्ट बाहर नहीं निकल सकता है, मुझे लॉजिकल टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। ठीक तो लॉजिकल टेस्ट मुझे यहां देना ही पड़ेगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर आपने लॉजिकल टेस्ट दे दिया, जैसे मैं यहां पे दे देता हूं कि भाई यहां पे ग्रेटर देन 0 है या नहीं, कॉमा कर दिया। अब वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स देना न देना मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर दूंगा तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, नहीं दूंगा तो जो डिफॉल्ट रिजल्ट होता है वो डिफॉल्ट रिजल्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, कुछ इफ के एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पे नेम लिखता हूं,
और नेम को नीचे तक ले जाता हूं। ज्यादा आ गया। इसको सॉर्ट कर देता, मुझे सॉर्ट करना जरूरी है यहां पे। अब सॉर्ट में मैं चाहता हूं कि जहां पे हमारा मतलब कि मुझे सबका एक देना डुप्लीकेट और यूनिक, मतलब इसमें से एक एक नाम उठाना है मुझे। मेरे तरीके तो बहुत है, बट मैं इफ से करना चाहता हूं, तो मैं लगाया इफ, इसको सिलेक्ट किया और बोला कि अगर ये इक्वल है अपने ऊपर वाले से तो यहां पे डी आए, अदरवाइज यू आए। अगर दोनों आपस में बराबर है तो डी अदरवाइज यू आए। फिर नीचे की तरफ इसको हम ड्रैग कर, फिल्टर कर सकते हैं आप। मान लीजिए मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर चाहिए कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, तो मैं यहाँ पे जस्ट इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा कि इफ सामने वाले वैल्यू अगर इक्वल है आपके ऊपर वाले वैल्यू से तो यहाँ पे ऊपर वाले वैल्यू में प्लस 1 कर दे, अदरवाइज 1 से स्टार्ट कर। ध्यान से देखिए हमने क्या इसमें क्या फॉर्मूला लगाया था, हमने लगाया था कि सामने वाली वैल्यू अगर बराबर है अपने ऊपर वाले वैल्यू से तो यहां पे डी है अदरवाइज यू है। और यहां पे हमने लगाया कि सामने वाले वैल्यू अगर बराबर है अपने ऊपर वाले वैल्यू से तो यहां पे ऊपर वाली वैल्यू में प्लस 1 हो जाए, अदरवाइज 1 से स्टार्ट होता है। जहां पर जैसे यहाँ पे देखिए सीक्वेंस बढ़ते जा रहा, यहाँ पे जैसे नाम देखिए अमर और अनीत आया तो यहाँ पे देखिए वापस 1 से स्टार्ट हो गया। यानी मैं चाहता हूं कि हर नेम को एक अलग नाम देना, जैसे अमर को 1 देना यूनिक नंबर, जितने भी अमर है उसको 1 देना, फिर नीचे 2 देना, इस तरह से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इफ अगर सामने वाले वैल्यू बराबर है अपने ऊपर वाले वैल्यू से तो ऊपर वाला वैल्यू ही शो करना है, नहीं तो ऊपर वाले वैल्यू में प्लस 1 कर देना है। नीचे ड्रैग कीजिए। तो पुनीत जी, कामराम जी, रह सहमत जी, समझ में आ रहा है ना आपको सर? जी सर, जी सर, समझ में आ रहा है। जी सर, जी सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। सीरियल नंबर की बात कर रहा हूं तो मेरे पास मान लीजिए डेटा है जिसमें यहाँ पे सीरियल नंबर है, नेम है और आगे एड्रेस वेड्रेस भी हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 1 लिखता हूँ और यहाँ पे देता हूँ नेम, फिर 2 लिखता हूँ, फिर देता हूँ यहाँ पे अलग नेम। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं नहीं नहीं, नहीं एक इकट्ठा हो जाए, ठीक है। तो यहां देंगे कि इफ अगर सामने वाले वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है। हमने ग्रेटर देन 0 क्यों लगाया, क्योंकि एक्सेल में जो ब्लैंक सेल होता है उसको 0 माना जाता है, तो ग्रेटर देन 0 मतलब कि ब्लैंक सेल नहीं हो, फिल हो। तो ऊपर वाले में ब्लैंक अगर ग्रेटर 0 है तो ऊपर वाले में प्लस 1 कर दे, अदरवाइज ब्लैंक कर, फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। अब यहां पे जो भी हम नाम लिखेंगे आप देखेंगे कि यहां सीक्वेंस बन जाएगा, बट एक प्रॉब्लम होगी। अभी जी देखी है, आपको नहीं बताया था मैंने, जैसे मैं यहां नेम T2 का लिखा तो यहां एरर आ गया। क्यों एरर आया, क्योंकि ऊपर वाले वैल्यू में प्लस 1 नहीं कर पा रहा। क्यों, क्योंकि J6 जो है वो ब्लैंक है, तो ब्लैंक तो नॉर्मल ए भी है लेकिन ब्लैंक है 0, इसको डिफॉल्ट 0 मान रहा है, मतलब कि नंबर मान रहा है, और इसके ऊपर जो इसमें जो है वो इसमें ब्लैंक है इन्वर्टेड कॉमा में, तो इसको टेक्स्ट समझ रहा है। इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या है,
सॉल्यूशन इसका ये है कि आपको यहाँ पे मैक्स का इस्तेमाल करना हो। इफ सामने वाले वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैक्स, क्योंकि मैक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता K1 से K1 +1 अदरवाइज ब्लैंक, ठीक है। लेकिन नीचे ड्रैग करने से पहले आपको पहले वाले K1 को फ्रीज करना पड़ेगा, अब इसको नीचे ड्रैग कर सकते हैं। कर दिया सर। जैसे कि सीरियल नंबर की बात चली है तो मैं यहां पे सीरियल नंबर बनाना चाहता हूं, सीरियल नंबर 1। अब मैं चाहता हूं उतना ही सीरियल नंबर जनरेट हो जितना मैं यहाँ Q1 में लिखूं, जिसमें लिख जाए 15, तो 15 ही हो। तो यहाँ पे कंडीशन होगा कि इफ अगर ऊपर वाले वैल्यू में +1 करने पे अगर ग्रेटर देन Q1 हो रहा है तो ब्लैंक हो जाए, अदरवाइज Q यहाँ पे इसके इसमें +1 करके सीक्वेंस को आगे कंटिन्यू करें। कैसे नीचे तो एरर आ गया, Q1 यहाँ पे फ्रीज नहीं किया था Q1 को, को इसको नीचे तक एक संभावित जगह तक कीजिए, फिर यहाँ ब्लैंक है। जो ये जो ब्लैंक यहाँ आया वही रीजन यहाँ भी है, क्योंकि ब्लैंक इसमें कि नोटे कुमार वाली ब्लैंक को +1 करने पे एरर आया। तो इस एरर को दूर करने के लिए हम यहाँ एक नया फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इफ एरर, हमने इसको सिलेक्ट किया और इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज कर दिया। तो इन्वर्ट इफ एरर क्या करता है कि इसके अंदर जो फॉर्मूला डाल दिया, अगर फॉर्मूला एरर दिया तो उसके जगह पे जो सेकेंडरी पार्ट आपने दिया है वो शो करेगा, ब्लैंक हो गया। अब मैं यहाँ पे 10 करूँ तो 10 आएगा, 20 करूँ तो 20 आएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आप जो है स्टार्ट टू एंड करना चाहते हैं, तो मैं स्टार्ट भी हूँ, तो यहाँ जो स्टार्टिंग में आपने मैनुअल 1 लिखा है इसके जगह पे इस O1 को सिलेक्ट कर, तो मैं बोलता हूँ 5 से 20, तो यहाँ पे देखिए 5 से 20 बनेगा, ठीक है सर। इस तरह के सीरियल्स आप जनरेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि मान लीजिए कि मुझे अगर बिटवीन का करना, जैसे मुझे 52 80 को मैच करना, तो यहाँ पे हमारे पास एंड का फॉर्मूला होता है कि भाई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और फिर इसको सिलेक्ट किया कि लेस देन इक्वल टू 80, तो दो कंडीशन हमने एंड के अंदर डाल। देखिए इफ यहाँ पे डायरेक्टली इफ इसलिए नहीं लगा क्योंकि एक इफ हमेशा एक कंडीशन रिसीव करता है, जब आपके पास ज्यादा कंडीशन हो, जितने कंडीशन ज्यादा कंडीशन हो तो एंड इस्तेमाल किया जाता है। तो एंड में भी एंड या और होता है, तो एंड कब यूज किया जाता है जब हमारे पास रिक्वायर्ड हो कि L1 ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80 ही होना चाहिए, तो एंड यूज करेंगे, रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। अब इसके जगह पे मान लीजिए कुछ अपना रिजल्ट देना है तो जाहिर सी बात है कि हम यहां पे इफ का फॉर्मूला देंगे, ठीक है। तो हमने बोला कि ट्रू होगा तो 100 अदरवाइज 0 आ जाए। सर यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे और का इस्तेमाल कब करना है, जैसे मान लीजिए कि यहां पे सैटरडे एंड संडे है, मुझे इसमें से वीक डे को यहां पे वीक डे और वीक ऑफ करना है। सैटरडे एंड संडे कौन कौन से है मुझे पता करना है, तो यहाँ पे तो दोनों नहीं हो सकता ना, या सैटरडे हो सकता है या संडे हो सकता है, क्या जरूरत। तो यहाँ पे ऑप्शनल है तो यहाँ पे और लगेगा, और दैट इज इक्वल टू सॉरी इक्वल टू सैटरडे कॉमा, इसको सिलेक्ट किया और
और यहां इक्वल टू संडे, राइट। और नीचे की तरफ ड्रैग कर, रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। अब इस ट्रू एंड फॉल्स को आप अपने रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि इफ ऐसा हुआ तो वीक एंड, अदरवाइज वीक डे, राइट। समझ गया सर? लाउड सर इसमें? नहीं सर, नहीं सर। इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से करें, ठीक है सर। वो मैक्स वाला जो बताया था, मैक्स वाला बताएंगे सर? मैक्स जो हमने लगाया था, मैक्स का क्या करता है सर? इसलिए क्या है कि इसके अंदर टेक्स्ट आएगा तो मैक्स, जैसे कि यहाँ पे मैक्स लगा ना सर, तो ये चेक करेगा कि अपने से ऊपर में क्या नंबर है उसमें प्लस वन कर देगा। मैक्सिमम नंबर क्या है जहां फॉर्मूला लग रहा है सिर्फ अपने ऊपर में। तो अगर यहां पे लग रहा है तो इसमें अगर बीच में ब्लैंक है ना तो ब्लैंक को इग्नोर कर देगा, तो इससे एरर आपका नहीं आएगा। ओके ओके।